हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी। तो जैसा आप जानते हैं, हम लोग एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग्स पढ़ रहे हैं। आइए आज हम लोग उसके अंदर जो ड्रग्स हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग दी हुई है उनको पढ़ते हैं। तो फर्स्ट ड्रग है हमारा क्लोफिब्रेट। इसका सिनोनिम क्लोफिब्रेट ही है। सी, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोफिब्रेट। ये जो ड्रग है ये एक कलरलेस पेल येलो कलर का लिक्विड होता है जिसका टेस्ट एसिडिक होता है। वाटर में ये स्लाइटली सॉल्यूबल है और ऑर्डर जो है वो भी हल्का सा फेंट एसिडिक होता है। ये एक फिब्रिक एसिड डेरिवेटिव यानी फिब्रेट्स आप बोल सकते हैं, उस कैटेगरी का ड्रग है। अब देखिए इसका मेटाबॉलिज्म ऐसा है कि ये ड्रग अपना एक्टिव मेटाबोलाइट बनाता है जिसका नाम होता है क्लोरोफिनॉक्सी आइसोब्यूटायरिक एसिड। और ये ड्रग जो है ये एक्टिवेट करता है रिसेप्टर को और उन रिसेप्टर का नाम होता है अल्फा पेरोक्सिम प्रोलिफरेटर। और यहाँ पर क्या होता है कि जो लाइपोप्रोटीन लाइपेज है उसका सिंथेसिस बढ़ जाता है और इससे डिग्रेडेशन ऑफ वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन वो भी इंक्रीज हो जाता है और इससे फैटी एसिड्स का ऑक्सीडेशन जो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। और ये ड्रग जो है ये एगोनिस्ट होता है PAR अल्फा रिसेप्टर के लिए और इससे एक्टिवेशन होता है इन रिसेप्टर का। इसका भी स्टोरेज सिमिलर है, वेल क्लोज्ड एयर टाइट लाइट रेजिस्टेंट टेम्पर प्रूफ कंटेनर। और इसको हम यूज़ करते हैं 3, 4 और 5 हाइपर लिपोप्रोटीनेमियाज के ट्रीटमेंट में और साथ में इस ड्रग का यूज़ करते हैं कोलेस्ट्रॉल और लाइपोप्रोटीन के लेवल को बैलेंस या तो फिर कंट्रोल में रखने के लिए। नेक्स्ट ड्रग हमारे सिलेबस में है लोवास्टैटिन। लोवास्टैटिन का सिनोनिम लोवास्टैटिन ही है। सी, दिस इज द स्ट्रक्चर। यहाँ आप देख सकते हो ये बाईसाइक्लिक वाला रिंग सिस्टम है। यहाँ पर लैक्टोन और ये इथाइलिन ब्रिज वाला पोर्शन हो गया। तो ये HMG-CoA रिडक्टेज इनहिबिटर के अंदर आएगा। इसका भी कलर कैसा है, वाइट है, ऑफ वाइट है। ये क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, नॉन हाइग्रोस्कोपिक होता है और वाटर में इनसॉल्यूबल होता है, एसीटोन में सॉल्यूबल होता है। और इसको ऑप्टेन किया जाता है एस्परजिलस टेरेस से और ये एक नेचुरल प्रोडक्ट है जिसको पॉलीकेप्टाइड से ऑप्टेन किया जाता है। इसका मैकेनिज्म ऐसा है कि ये लीवर में मेटाबोलाइज होता है और 2 मेजर एक्टिव मेटाबोलाइट बीटा हाइड्रोक्सी एसिड और 6 हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव देता है और ये इनहिबिट करता है एंजाइम HMG-CoA रिडक्टेज को, जिसकी वजह से जो बायोसिंथेसिस है कोलेस्ट्रॉल की वो इनहिबिट हो जाती है। और ये ड्रग जो है ये कॉम्पिटिटिवली इनहिबिट कर देता है आपका 3-हाइड्रोक्सी-3-मिथाइल-ग्लूटामिक कोएंजाइम ए को, जिससे मेलवोनेट नहीं बनता और फिर यहाँ पर ये एक रेट लिमिटिंग स्टेप की तरह बन जाता है कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस में, आगे कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस नहीं हो पाती है। और साथ ही साथ में ये कैटाबॉलिज्म का काम करता है इंटरमीडिएट डेंसिटी लाइपोप्रोटीन को वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स में करने के लिए। और इसका भी स्टोरेज सिमिलर है, वेल क्लोज्ड एयर टाइट लाइट रेजिस्टेंट टेम्पर प्रूफ कंटेनर। बट यहाँ पर ड्रग के ऊपर नाइट्रोजन फ्लक्स किया जाता है और टेम्परेचर 2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक मेंटेन किया जाता है। ये स्पेसिफिक स्टोरेज कंडीशन है। फिर इसका यूज़ कैसा है कि ये लिपिड रेगुलेटिंग ड्रग है, इसका हाई प्लाज्मा लेवल कोलेस्ट्रॉल होता है और ये कार्डियोवास्कुलर डिजीज के प्रिवेंशन में यूज होता है। नेक्स्ट है हमारा कोलेस्ट्रामाइन। तो ये कोलेस्ट्रामाइन का सिनोनिम कोलेस्ट्रामाइन रेजिन ही होता है। सी, दिस इज द स्ट्रक्चर और ये वाइट या तो फिर ऑलमोस्ट वाइट फाइन पाउडर है, हाइग्रोस्कोपिक है, इनसॉल्यूबल है वाटर और इथेनॉल में और ये बाइल एसिड सिक्वेस्ट्रेंट है और ये पॉलीमरिक कंपाउंड है जो आयन एक्सचेंज रेजिन की तरह काम करता है। अब ये ड्रग का जो मैकेनिज्म है ये एक स्ट्राइन को पॉलीमर है जिसमें डाइविनाइल बेंजीन और क्वार्टरनरी अमोनियम फंक्शनल ग्रुप होता है और ये इंटेस्टाइनल ट्रैक से एब्जॉर्ब नहीं होते और डाइजेस्टिव एंजाइम से अनअफेक्टेड रहते हैं। ये ड्रग जुड़ जाते हैं बाइल एसिड के साथ और इंटरफेयर करते हैं एंट्रोहिपेटिक सर्कुलेशन में और इससे जो है वो कोलेस्ट्रॉल का एक्सक्रीशन होने लगता है फ्रॉम सॉलिड वेस्ट। ये ड्रग इनडायरेक्टली जो है वो हिपैटिक मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं और कोलेस्ट्रॉल के हिपैटिक मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं जिससे बाइल एसिड में कन्वर्जन होता है और जो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के रिसेप्टर लीवर पर हैं उनको ये एक्टिवेट कर देते हैं। सिमिलर स्टोरेज है, वेल क्लोज्ड एयर टाइट लाइट रेजिस्टेंट टेम्पर प्रूफ कंटेनर और इनका भी यूजेज
ऐसा ही है कि जो एलिवेटेड प्लाज्मा लेवल है कोलेस्ट्रॉल का, उसको रिड्यूस करना, टाइप 2 हाइपरलिपोप्रोटीनेमिया का ट्रीटमेंट करना, और प्रूराइटिस रिलेटेड जो भी कंडीशंस है, बाइलरी ऑब्स्ट्रक्शन, उसको भी ट्रीट करना। नेक्स्ट ड्रग है हमारा कोलेस्टिपॉल। कोलेस्ट्रिपॉल हाइड्रोक्लोराइड इसका सिनोनेम है, मतलब हम चाहे तो इसका हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट बना सकते हैं .HCl लगा करके। इसकी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं कि ये एक आपका क्रॉस लिंक इनसॉल्युबल बेसिक एनायन एक्सचेंज रेजिन है, और इसमें जो है कलर इसका येलो से ऑरेंज कलर का होता है, और ये बीड्स के छोटे छोटे मोतियों जैसे बीड्स के फॉर्म में होता है, हाइग्रोस्कोपिक होता है, और वाटर के प्रेजेंस में फूल जाता है, स्वेल हो जाता है, लेकिन वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करता और इथेनॉल में इनसॉल्युबल होता है, और ये एब्जॉर्ब नहीं होता इंटेस्टाइन से और अनअफेक्टेड रहता है डाइजेस्टिव एंजाइम से। ये ड्रग जो है ये जुड़ता है बाइल एसिड से और इंटरफेयर करता है एंट्रोहिपेटिक सर्कुलेशन में, और अल्टीमेटली इससे जो है वो सॉलिड वेस्ट के फॉर्म पे ये कोलेस्ट्रॉल के साथ में रिमूव हो जाता है। यहाँ पर इनडायरेक्टली जो है ये हिपेटिक मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और बाइल एसिड कोलेस्ट्रॉल का बाइल एसिड में कन्वर्ट करता है। जो एलडीएल रिसेप्टर हैं वो लीवर के एलडीएल रिसेप्टर जो है वो इसके साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं और प्लाज्मा के साथ एक इंटरफेरेंस कॉज कर देते हैं। ये ड्रग का स्टोरेज ऐसा ही है, वेल क्लोज एयर टाइट लाइट रेजिस्टेंट टेम्पर प्रूफ कंटेनर, और इसको हम यूज़ करते हैं कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस करने के लिए और टाइप 1 हाइपरलिपोप्रोटीनेमियास के ट्रीटमेंट में। तो ये थे स्टूडेंट्स कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग एंटी हाइपरलिपिडेमिक कैटेगरी के अंदर। आई होप आपको ये कंटेंट समझ में आया होगा। तो हम जिस कंटेंट से पढ़ा रहे हैं, अगर ये नोट्स आपको चाहिए हो तो प्लीज़ आप हमारा ऐप सॉल्यूशन फार्मेसी डाउनलोड कीजिए, वहाँ नोट्स अवेलेबल हैं। हम लोग अगला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच।